दोस्तों, आपने अक्सर दो कुत्तों को आपस में लड़ते हुए देखा ही होगा। इन दोनों ही कुत्तों में हमेशा एक कुत्ता ज्यादा ताकतवर होता है और अंत में उसी कुत्ते की जीत होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉटवेलर डॉग के बारे में। साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी कुत्तों की प्रजाति है जो रॉटवेलर डॉग को भी हरा सकती है। आपको बता दें कि रॉटवेलर मजबूत कुत्ते होते हैं। आमतौर पर इनकी लंबाई 61 से 68 सेंटीमीटर तक होती है। साथ ही इनका वजन लंबा 41 से 61 किलोग्राम तक का होता है। साथ ही रॉटवेलर 228 PSI की काटने की ताकत रखते हैं। आमतौर पर रॉटवेलर शांत और आत्मविश्वासी होते हैं। साथ ही वे अपनी वफादारी, सुरक्षा और मजबूत रखवाली के लिए भी जाने जाते हैं। रॉटवेलर बुद्धिमान और अपने मालिक को खुश करने के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्हें आसानी से ट्रेंड किया जा सकता है। लेकिन रॉटवेलर भी कुछ कुत्तों से हार जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कौन से कुत्ते के नस्ल रॉटवेलर डॉग को हरा सकते हैं। तो देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 6, आलाबाई। दोस्तों, आपको बता दें कि आलाबाई कुत्ता दुनिया की सबसे पुरानी कुत्तों की नस्ल में से एक है। साथ ही ये एक एशियाई कुत्ता है, जिसे मूल रूप से मवेशियों और अन्य संपत्ति की रखवाली के लिए लगाया गया था। आपको बता दें कि आलाबाई डॉग 10 से 12 साल तक जीवित रहते हैं। आलाबाई अपने मजबूत व्यक्तित्व और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। साथ ही आलाबाई किसी भी अन्य नस्ल के कुत्तों से ज्यादा तेज काटते हैं। आलाबाई के काटने की शक्ति 500 से 650 पाउंड प्रति वर्ग इंच के बीच होती है। बता दें कि आलाबाई और रॉटवेलर दोनों विशाल और मजबूत कुत्तों की नस्लें हैं, जिनमें काटने की मजबूत शक्ति होती है। इसके अलावा आलाबाई अपने सुरक्षात्मक और शक्तिशाली स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जबकि रॉटवेलर अपनी वफादारी और साहस के लिए जाना जाता है। आलाबाई का वजन 50 से 79 किलोग्राम तक होता है। इन सब के बीच देखा जाए तो आलाबाई रॉटवेलर को हरा सकते हैं। नंबर 5, कैंगल। दोस्तों, आपको बता दें कि कैंगल रॉटवेलर से बड़ी और मजबूत नस्ल है। कैंगल एक एनाटोलियन शेफर्ड डॉग की नस्ल है, जो कि अपनी शक्ति और सहन शक्ति के लिए पहचाने जाते हैं। कैंगल कुत्ते की औसत उम्र 12 से 15 साल के बीच होती है। कैंगल के लिए 15 साल की उम्र तक पहुंचना कोई असामान्य बात नहीं है, जो कि कुत्तों की दुनिया में सबसे अधिक है। कैंगल के पास 700 से 750 PSI की अद्भुत काटने की शक्ति होती है। शुरू में कैंगल भीड़ के झुंडों की रक्षा के लिए जाने जाते थे, मतलब ये कुत्ते शेफर्ड की पहली पसंद हुआ करते थे। जबकि चारवाहे अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में जाते थे, तो वे इस कुत्ते को भी अपने साथ लेकर जाते थे, जो भेड़ बकरियों के लिए बॉडीगार्ड का काम करता था। साथ ही वे अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध है। कैंगल डॉग के पैर बहुत लंबे और मजबूत होते हैं। साथ ही लंबी टांगों और मजबूत मांसपेशियों वाले कैंगल अक्सर अन्य कुत्तों से लड़ाई में जीत सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कैंगल शक्तिशाली और क्रोधी होते हैं, और इसलिए उन्हें घरेलू पालतू जानवर नहीं बनाना चाहिए। बता दें कि कैंगल के पास 743 PSI का बल होता है, और ये तय है कि रॉटवेलर को कैंगल से जीत नहीं मिलेगी। नंबर 4, जर्मन शेफर्ड। रॉटवेलर की तुलना में जर्मन शेफर्ड अधिक सहन शक्ति, अधिक ऊर्जा के साथ होते हैं। साथ ही जर्मन शेफर्ड पुलिस और आर्मी की सहायता करने के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि जर्मन शेफर्ड 7 से 10 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन कई 13 साल तक भी जीवित रहते हैं। जर्मन शेफर्ड का बाइट फोर्स 238 PSI है, जो कि काफी शक्तिशाली है। साथ ही जर्मन शेफर्ड कुत्ते की दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली काटने की सूची में आते हैं। जर्मन शेफर्ड और रॉटवेलर दोनों के पास बहुत ही शक्तिशाली काटने की शक्ति है, और वे दोनों ही भयानक चोट एक दूसरे को पहुंचा सकते हैं। जर्मन शेफर्ड रॉटवेलर की तुलना में काफी तेज और अधिक फुर्तीले होते हैं। इसके साथ ही जर्मन शेफर्ड काफी बुद्धिमान होते हैं, और वे काफी अच्छी युद्ध नीति बना सकते हैं, जो कि इनको जीत दिला सकती है। अगर देखा जाए तो जर्मन शेफर्ड रॉटवेलर से जीत सकता है। नंबर 3, तिब्बतन मस्टिफ। तिब्बतन मस्टिफ एक चीनी कुत्ते की नस्ल है। तिब्बतन मस्टिफ को शेर की तरह सतर्क और शक्तिशाली माना जाता है। इसके अलावा तिब्बतन मस्टिफ का जीवन लगभग 10 से 12 साल तक होता है। तिब्बती अपनी शक्तिशाली बाइट के लिए जाना जाता है। इस डॉग में 550 PSI की काटने की शक्ति होती है। यह किसी भी कुत्ते की नस्ल का दूसरा सबसे मजबूत काटने वाला बल है। तिब्बतन मस्टिफ और रॉटवेलर दोनों ही कुत्तों की मजबूत नस्लें हैं, लेकिन रॉटवेलर का आकार तिब्बती मस्टिफ से छोटा होता है। इसके अलावा भले ही दोनों कुत्ते के हाइट बराबर होते हैं, लेकिन मस्टिफ हमेशा रॉटवेलर पर भारी पड़ते हैं।
साथ ही किसी भी कुत्ते के लिए तिब्बतन मस्टिफ को घायल करना काफी मुश्किल होता है। अगर देखा जाए तो रॉटविलर और तिब्बतन मस्टिफ में से जीत तिब्बतन मस्टिफ की ही होगी। नंबर 2, कोकेशियन ओचारका। कोकेशियन ओचारका और रॉटविलर दोनों ही कुत्ते की विशाल और मजबूत नस्लें हैं, लेकिन फिर भी ये तय करना कि दोनों में से कौन सी नस्ल बड़ी और मजबूत है, इस दोनों की अनुवांशिकता, भोजन और व्यक्तित्व जैसी विशेषताओं से जाना जा सकता है। आपको बता दें कि कोकेशियन ओचारका का वजन 50 से 90 किलोग्राम तक होता है। कोकेशियन ओचारका के काटने की शक्ति 550 से 700 PSI तक होती है। साथ ही इसे रॉटविलर से बड़ा और भारी माना जाता है। इसके अलावा कोकेशियन ओचारका का जीवन 10 से 12 साल तक ही होता है। कोकेशियन ओचारका और रॉटविलर दोनों ही नस्लों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए विकसित किया गया था, जिसमें कोकेशियन ओचारका को पशुधन को बढ़ाने के लिए और रॉटविलर को एक काम करने वाले कुत्ते के रूप में और गाड़ियां खींचने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि कॉकेशियन ओचारका को आमतौर पर रॉटविलर से ज्यादा ताकतवर माना जाता है, इसलिए कॉकेशियन ओचारका रॉटविलर को हरा सकता है। नंबर 1, कैन कॉर्सो। दोस्तों, कैन कॉर्सो और रॉटविलर दोनों बड़े और शक्तिशाली कुत्तों की नस्लें हैं, लेकिन दोनों कुत्तों की अलग अलग विशेषताएं हैं। आपको बता दें कि कैन कॉर्सो का शरीर काफी मजबूत होता है। कैन कॉर्सो की लंबाई 24 से 28 इंच होती है और इनका वजन 41 से 54 किलोग्राम के बीच होता है, तो वहीं रॉटविलर भी एक मजबूत शरीर वाले होते हैं। साथ ही रॉटविलर कुत्तों की लंबाई 24 से 27 इंच होती है और इनका वजन 43 से 61 किलोग्राम के बीच होता है। साथ ही कैन कॉर्सो काफी शक्तिशाली कुत्ते होते हैं, जो कि कुछ लोगों को डराने वाले लग सकते हैं, क्योंकि इनका लुक ही ऐसा होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2017 में 25 देशों के 232 कैन कॉर्सो कुत्तों पर एक अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि कैन कॉर्सो का जीवन लगभग 9.3 साल तक होता है। ये कुत्ते नीडर और सतर्क होते हैं। कुछ लोगों को इनसे बहुत डर लगता है, लेकिन वास्तव में ये कुत्ते एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। कैन कॉर्सो हर जगह रॉटविलर से ज्यादा ताकतवर हैं। आपको बता दें कि कैन कॉर्सो के काटने की शक्ति 700 PSI है, जो कि सबसे मजबूत है, जो कि कांगल के बाद दूसरे स्थान पर है। साथ ही इस कुत्ते की सबसे मजबूत नस्लों में से एक इसे माना जाता है। अगर देखा जाए तो कॉर्सो रॉटविलर को हरा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, आपको इसमें सबसे मजेदार वीडियो कौन सी लगी? आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से कुत्ते रॉटविलर को हरा सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।